हेलो एवरीबॉडी, आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ लॉ वाला के फाउंडेशन बैच पे। मेरा नाम है इसरा और आज हम लोग एक नए सब्जेक्ट के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं द सिविल प्रोसीजर कोड। क्या है आप लोगों का ओपिनियन सीपीसी के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। सीपीसी कुछ स्टूडेंट्स के लिए बड़ी ही इंटरेस्टिंग है और कुछ स्टूडेंट्स के लिए बड़ी ही डिफिकल्ट है। और क्यों ना हो, है ही इतनी लेंदी, बहुत ज्यादा लेंदी है, सेक्शंस हैं, ऑर्डर्स हैं। तो क्या हर एक चीज पढ़ना जरूरी है सीपीसी में? बिल्कुल, हर एक चीज के बारे में एक बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, लेकिन लर्न करना, उसको मेमोराइज करना नहीं। कुछ ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको लर्न करनी है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हर एक एग्जामिनर का एक सेट पैटर्न होता है और उसी सेट पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जितने भी एलएलबी स्टूडेंट्स हैं, जो भी ये फाउंडेशन बैच देख रहे हैं, उनके लिए ये जो सब्जेक्ट है, मैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाने वाली हूँ और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हम लोग ये सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। ये बैच हर एक जुडिशरी एस्पिरेंट, हर एक एलएलबी स्टूडेंट के लिए, जुडिशरी एस्पिरेंट के लिए, क्लैट एस्पिरेंट्स के लिए, इफ वी टॉक अबाउट द लीगल एप्टीट्यूड पार्ट, एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो इन तीनों ही पार्ट्स को, इन तीनों ही स्टूडेंट्स को हम लोग लेके ये बैच लेके आए हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग क्लैट एस्पिरेंट्स की बात करें तो इनके लिए एक सेपरेट बैच आने वाला है, एक सेपरेट बैच आएगा इन स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। आज के पर्टिकुलर सेशन में क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज के सेशन में हम लोग सीपीसी का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, एक ब्रीफ इंट्रो लेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये देखेंगे कि क्या है वो सारी ट्रिक्स क्या है अंडरस्टैंड करने के लिए सीपीसी को, हाउ विल वी अंडरस्टैंड सीपीसी, या कैसे हम लोग लर्न करेंगे सीपीसी। बहुत ही इजी वे में हम लोग इसको समझने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। हमारे डेली टारगेट्स क्या होंगे आज के सेशन के? जो डेली टारगेट्स हैं, हम लोग सीपीसी का एक हिस्ट्री देखेंगे, एक बैकग्राउंड देखने वाले हैं। अलोंग विद दैट हम लोग कमेंसमेंट देखेंगे, इसका एक्सटेंट देखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या रहा है कोड का, किस लिए लेजिस्लेचर ने सीपीसी को बनाया, लेजिस्लेट किया, या ये कोड क्यों आया, क्या रिक्वायरमेंट क्या थी। साथ ही साथ स्कीम क्या है कोड की, क्या है, क्या सीपीसी किस तरह से फॉर्मुलेट करी गई है, किस तरह से लेजिस्लेट करी गई है, ये देखेंगे। अलोंग विद दैट एट अ ग्लांस लेंगे किस तरह से डिवाइडेड है, क्या लिंक है ऑर्डर्स और सेक्शंस में, ये आप लोगों को समझाऊंगी। और साथ ही साथ हम लोग ये पढ़ते चलेंगे किस तरह से हम लोगों को सीपीसी ईजी वे में, क्या रहेगा ईजी अप्रोच टू अंडरस्टैंड सीपीसी। ये सारी ही चीजें आपको सीपीसी के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दी, ठीक है? तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को ये समझना है कि किस तरह से लॉ जो है, लॉ हमारा किस तरह से डिवाइडेड है, किस टाइप के लॉ आपको देखने को मिलेंगे। इफ वी टॉक अबाउट लॉ, तो लॉ दो पार्ट्स में आप पढ़ सकते हो, दो तरह के लॉज आपको मिलेंगे। एक है आपके प्रोसीजरल या फिर एडजेक्टिव लॉज भी इनको कहा जाता है, प्रोसीजरल या एडजेक्टिव लॉज। और दूसरे तरह के लॉज जो आई होप आप सब लोग जानते हैं, होते हैं सब्सटैंटिव लॉज। ठीक बात हो गई, एक हो गए आपके प्रोसीजरल लॉज, एक हो गए आपके सब्सटैंटिव लॉज। अब ये सब्सटैंटिव लॉज क्या होते हैं? ये सब्सटैंटिव लॉज डिटरमाइन करते हैं, दे डिटरमाइन द राइट्स एंड लाइबिलिटीज, राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टीज, ठीक है, ऑफ द पार्टीज। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें प्रोसीजरल लॉज की या एडजेक्टिव लॉज की, इनका क्या काम होता है, ये इन्हीं राइट्स और लाइबिलिटीज को एनफोर्स करने में मदद करते हैं, ठीक है? तो एनफोर्समेंट ऑफ दोज राइट्स एंड लाइबिलिटीज। तो क्या होता है, दो डिवीजन, एक हो गया आपका प्रोसीजरल लॉ, आपको क्या प्रोसीजर क्या फॉलो करा जाएगा उन राइट्स एंड लाइबिलिटीज को इन्फोर्स करने के लिए। साथ ही साथ सब्सटैंटिव लॉ में आप क्या पढ़ते हो, सब्सटैंटिव लॉ में आप पढ़ते हो कि क्या होगी एक पर्सन की राइट, एक पर्सन की राइट या दूसरे पर्सन की लाइबिलिटी क्या होगी। तो ये हो गए दो प्रकार के आपके लॉज। अब हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं। देखिए, अगर कोई मैटर आता है कोर्ट के सामने, मान के चलिए कोर्ट के सामने एक मैटर आया, तो कैसे वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या वो मैटर एक सिविल मैटर है, कि क्या वो मैटर एक क्रिमिनल मैटर है, ठीक है? ये कैसे डिसाइड किया जाएगा?
सिविल मैटर्स को डील करने वाला कौन सा कोड है? वो है सिविल प्रोसीजर कोड। क्रिमिनल मैटर्स को डील करने का कोड क्या है? इट इज द CRPC, द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। सीपीसी के थ्रू जो सीपीसी का एप्लीकेशन होता है वो कहाँ होता है? वो होता है सिविल कोर्ट्स में, और सीआरपीसी का एप्लीकेशन कहाँ होता है? वो होता है क्रिमिनल कोर्ट्स में। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये कैसे डिटरमाइन किया जाएगा? भाई मेन सवाल तो ये है कि ये कैसे देखा जाएगा कि कौन सा मैटर सिविल मैटर है और कौन सा मैटर जो है वो क्रिमिनल मैटर है। सिविल मैटर्स जो होते हैं वो बेसिकली आप देखो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, टॉर्ट, ये सारे मैटर्स जो होते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपका, टॉर्ट हो गया आपका, ये सारे मैटर्स जो होते हैं, या पर्सनल अगर कोई राइट या अगर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई लॉ है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मैटर है, ये आपका डायरेक्टली आ जाएगा सिविल कोर्ट में। और अगर क्रिमिनल कोर्ट की अगर आप बात करो, क्रिमिनल मैटर्स, तो डायरेक्टली आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो आईपीसी का। ठीक है, तो इसी तरह से डिटरमाइन किया जाता है कि भाई क्या होगा एप्लीकेशन कोर्ट्स का, कौन से कोर्ट में ये मैटर जाने वाला है। और एक होता है हमारा मेन जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है, ये एप्लीकेबल होता है दोनों ही साइड, चाहे वो क्रिमिनल साइड हो चाहे वो सिविल साइड हो, दोनों ही साइड एप्लीकेशन होता है इंडियन एविडेंस एक्ट का, जिसके जो लॉज सेट हैं उन्हीं के प्रिंसिपल्स पे उसका एप्लीकेशन होता है कोर्ट में, जो ट्रायल होता है, जो भी प्रोसीडिंग होती है वो उसी के एप्लीकेशन पे चलती है। तो सिविल जो भी कोर्ट्स हैं इन्हीं के बारे में बेसिकली हम लोग इस सेशन में या आगे के सेशंस में सीपीसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये ब्रीफ एक डिस्टिंक्शंस है दोनों के बीच में। ठीक है, तो आई होप ये यहां तक ही आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग बात करें सीपीसी की हिस्ट्री की, भाई किसी के बारे में अगर आप पढ़ रहे हो तो उसकी हिस्ट्री के बारे में तो आप जरूर ही पढ़ते हो, जरूर जानते हो आपकी क्या हिस्ट्री क्या है उस पर्सन की। ठीक है, तो अगर हम लोग सीपीसी की बात करें तो 1859 से पहले कोई भी ऐसा सिविल लॉ से रिलेटेड, सिविल राइट्स को डिटरमाइन करने के लिए या सिविल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए कोई भी ऐसा लॉ नहीं था बिफोर 1859। ऐसा कोई भी लॉ नहीं था, कोई भी यूनिफॉर्म जो है लॉ नहीं था। डिफरेंट सिस्टम्स थे, डिफरेंट जगहों पे वो फॉलो किए जाते थे। 1859 में पहली बार कोड इनैक्ट किया गया। ठीक है, 1859 में सबसे पहली बार एक कोड को इनैक्ट किया गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या आई, उस कोड में बहुत सारे डिफेक्ट्स थे। ठीक है, और वो डिफेक्ट्स कैसे थे, किसी किसी जगह पे वो एप्लीकेबल था और किसी किसी जगह पे वो एप्लीकेबल नहीं था। प्रॉब्लम क्या थी, इट वॉज नॉट एप्लीकेबल इन होल ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, पूरे ब्रिटिश इंडिया पे ये एप्लीकेबल नहीं था। इसी कारण क्या हुआ, इसी कारण एक और इनएक्टमेंट हुआ सिविल प्रोसीजर से रिलेटेड। तो ये हुआ था 1877 में। 1877 में एक नया कोड बनाया गया, एक न्यू कोड बनाया गया। सेम प्रॉब्लम्स आई, इस कोड में भी बहुत सारे ऐसे डिफेक्ट्स थे। क्या होता है, जब सोसाइटी में जो भी चेंजेस होते हैं ना, उसी के अकॉर्डिंग लॉ में भी चेंजेस होते हैं। इट इज चेंजिंग विद द सोसाइटी, लॉ इज ऑलवेज चेंजिंग विद द सोसाइटी। ये सारी चीजें आप ज्यूरिसप्रूडेंस में भी पढ़ोगे। तो 1877 का जो नया कोड बनाया गया उसमें भी बहुत सारे डिफेक्ट्स हुए। उन डिफेक्ट्स के कारण 1882 में एक और लॉ बनाया गया सिविल प्रोसीजर कोड से रिलेटेड। 1882 के बाद एक नया कोड बनाने के बाद उसके बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रही। इसी के बाद जन्म हुआ 1908 के कोड का, जो आज 2023 में भी हम लोग पढ़ रहे हैं, द सिविल प्रोसीजर कोड 1908। लेकिन ये चेंजेस का सिलसिला, ये अमेंडमेंट्स का सिलसिला चलता रहा। सीपीसी 1908 में भी विद द चेंजिंग प्रोसेस इन द सोसाइटी बहुत सारे ऐसे अमेंडमेंट्स करे गए। तो अमेंडमेंट्स एक बार हम देख लेते हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपके लिए सिर्फ और सिर्फ सीपीसी से ही क्वेश्चन आ रहा है इंट्रोडक्शन लिखने के लिए, या ब्रीफ मेंशन दीजिए सीपीसी का, 20 मार्क का क्वेश्चन आ गया, ये सारी चीजें आप उसमें मेंशन कर सकते हो। तो अमेंडमेंट्स देखिए हुए, 1951 में भी अमेंडमेंट हुआ था सीपीसी में, 1951 में भी अमेंडमेंट हुआ।
साथ ही साथ आप देखेंगे 1956 में, 1951 में, 1956 में भी अमेंडमेंट हुआ। मेन अमेंडमेंट, जो मेन इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट था, वो हुआ था 1976 में। 1976 में लॉ कमीशन ने बहुत सारे रेकमेंडेशन किए गवर्नमेंट को, ठीक है। लॉ कमीशन ने बहुत सारे रेकमेंडेशन पे फिर सरकार ने इसको एक्सेप्ट किया और 1976 का अमेंडमेंट हुआ। किसमें? 19 कोड, द सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में ही ये अमेंडमेंट्स किए। टॉकिंग अबाउट द टू मेन अमेंडमेंट्स, ये आपको याद रखना है। एक हो गया नंबर वन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1999 और सेकेंड था अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। ये दोनों ही अमेंडमेंट एक्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इनको आपको याद रखना है। इन दोनों की जो इन्फोर्समेंट डेट है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2002। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहे हैं। क्या क्या चेंजेस आए ये भी हम लोग देखेंगे, इन अमेंडमेंट से क्या क्या चेंजेस आए। तो देखिए, सबसे पहले जो चेंज आया वो ये था कि बहुत सारे मैटर्स जैसे कि इशूइंग ऑफ समन्स, फाइलिंग ऑफ रिटन स्टेटमेंट आफ्टर द प्लेंट, प्लीडिंग्स का अमेंडमेंट करना, डॉक्यूमेंट्स का प्रोडक्शन होना, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, इन सारी चीजों में अमेंडमेंट्स हुए, इन सारी चीजों में चेंजेस हुए। साथ ही साथ एक नया प्रोविजन लेके आए, फॉर व्हाट? फॉर द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स आउटसाइड द कोर्ट, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, एडीआर का जो एक प्रिंसिपल था उसको लेके आए। साथ ही साथ नंबर ऑफ एडजर्नमेंट्स हैव बीन रिस्ट्रिक्टेड, along with that a provision for recording of evidence by the court of commissioner has been made, endless arguments are sought to be shortened, a empowering the court to fix a time limit for oral arguments by permitting written arguments to be placed on record by the parties। ये सारे changes हुए 1999 and 2002 के amendments से। A provision is made for filing of appeal in the court which passed the decree, instituting of appeal against the judgment is allowed where the decree is not drawn up। साथ ही साथ scope of first appeal, second appeal, letters, patent, appeal and revision has been curtailed। तो ये सारे जो चीजें थी ये आपको देखने को मिली by the amendment act of 1999 and 2002, don't forget that। ठीक है, इतना clear हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग बात करें कमेंसमेंट की, कब से शुरुआत हुई सीपीसी की, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर इज एप्लीकेबल फ्रॉम, या फिर हम लोग लिख सकते हैं इज एप्लीकेबल with effect from, so the code of civil procedure is applicable with effect from 1st January 1908। ये इसकी enforcement date है। and if we talk about the extent, अगर हम लोग इसके extent की बात करें कि कब तक के, कहां तक की लागू है, कब तक के तो पता है अभी तक की लागू है, हमेशा लागू रहेगा, लेकिन कहां तक की, क्या extent क्या है इंडिया में, तो इसका extent है whole of India। अब यहां पे जो जम्मू एंड कश्मीर का इसका exception था एक, वो भी अब हटा दिया गया है, along with जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। और ये कब से लागू किया गया था, फ्रॉम 2019, जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के माध्यम से। आई होप आपको क्लियर है, 2019 जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है। तो इसके बाद से ये जो एक्ट है ये जम्मू एंड कश्मीर पे भी एप्लीकेबल है। बहुत सारे ऐसे सेंट्रल एक्ट्स हैं जो उस पे एप्लीकेबल कर दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये होल ऑफ इंडिया का जो क्लॉज है
ये पूरी तरह से अब हटा दिया गया, मतलब गोल ऑफ इंडिया का जो क्लॉज है वो अब लगा हुआ है और जम्मू एंड कश्मीर वाला क्लॉज हटा दिया गया है, लेकिन स्टेट ऑफ नागालैंड पे अभी भी एप्लीकेबल एंड अदर ट्राइबल एरियाज पे अभी भी एप्लीकेबल नहीं है। अगर हम लोग बात करें ऑब्जेक्ट ऑफ द कोड की, क्या है ऑब्जेक्ट, इस कोड का क्या ऑब्जेक्ट है, इसको लेजिस्लेट करने की ऐसी रिक्वायरमेंट ही क्यों आई, क्या जरूरत पड़ गई इस लॉ को लेके आने के लिए, क्या था ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे, जैसा कि हमने समझा कि कोई भी ऐसा स्पेसिफिक लॉ नहीं था जो डील कर रहा था सारे सिविल डिस्प्यूट्स की जो उस टाइम पे अराइज हो रहे थे। सोसाइटी चेंजिंग थी, डिमांड्स चेंजिंग थी, टाइम आते आते अमेंडमेंट्स के बाद इसकी रिक्वायरमेंट पड़ी, ठीक है, बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारे लॉज को हटाया गया। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसका, ऑब्जेक्ट क्लियर है, इसके प्रियम्बल को अगर आप देखोगे, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का जो प्रियम्बल है ना, वो ये कहता है It is to consolidate and amend the laws relating to the procedure of the courts of सिविल जुडिकेटर। तो यहाँ पे जो एक प्रियम्बल के थ्रू जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियर होता है, क्या क्लियर हो रहा है ऑब्जेक्ट, देखिए इट इज टू कंसोलिडेट एंड अमेंड। कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है, उस टाइम पे जितने भी लॉज हैं, जितने भी सिविल रिलेटेड लॉज हैं या सिविल रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं, कोई ऑर्डर्स हैं, कोई रूल्स हैं, कोई डिस्प्यूट्स हैं, उन सबको एक ही अम्ब्रेला के अंडर लेके आना, उन सारे ही ऑर्डर्स को, उन सारे ही रूल्स को, उन सारे ही लॉज को एक ही अम्ब्रेला के अंडर लेके आना, और वो क्या है, वो है सीपीसी 1908, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ये इस एक्ट का प्रियम्बल कह रहा है, इट इज टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू द प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट्स ऑफ सिविल जुडिकेटर, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब अगर हम लोग स्कीम समझे, सीपीसी की स्कीम समझने के लिए एक चीज आप समझ लीजिए, बहुत ही ज्यादा इजी है। यहाँ पे आपको करने की रिक्वायरमेंट क्या है, इट इज इंटरलिंकिंग, ठीक है। तो यहाँ पे सीपीसी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है, दो पार्ट्स क्या है आइए समझते हैं। सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे सेक्शंस है, सेक्शंस हो गए और ऑर्डर्स हो गए, ठीक है। जो सेक्शंस हैं वो किसमें डिवाइडेड है, सेक्शंस डिवाइडेड है पार्ट्स में, 11 पार्ट्स, देयर आर 11 पार्ट्स, ठीक है, 11 पार्ट्स एंड 158 सेक्शंस, 11 पार्ट्स एंड 158 सेक्शंस। एंड इफ यू टॉक अबाउट ऑर्डर्स जो है वो दिया है शेड्यूल वन में, और कितने ऑर्डर्स हैं, देयर आर 51 ऑर्डर्स शेड्यूल वन में दिया है, और कितने ऑर्डर्स हैं, देयर आर 51 ऑर्डर्स। एक इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को जानने में मजा आएगा, ये जो सेक्शन है, ये जो जितने भी सेक्शंस हैं, ये सब्सटैंटिव नेचर के हैं। सीपीसी जो एक प्रोसीजरल लॉ है, उसके सेक्शंस क्या हैं, उसके सेक्शंस हैं सब्सटैंटिव नेचर के हैं। लेकिन अगर हम लोग जो आपके ऑर्डर्स हैं इनकी बात करें, ये प्रोसीजरल नेचर के हैं, they are of procedural nature, ठीक है। तो इसीलिए जो sections है इनको amend करने की power किसके पास है, उनको amend करने की power है legislature ही, इसको amend कर सकता है अगर हम लोग amend करने की बात करें, ठीक है, if we talk about amending the sections। लेकिन अगर हम लोग orders को amend करने की बात कर रहे हैं, अगर हम लोग orders को amend करने की बात करें, तो इसको कौन amend कर सकता है, इसको amend कर सकते हैं high courts, ठीक है, ये power high court की दी है, ये power high courts को दी गई है, rule बनाने की power, rule को amend करने की power, ये high courts के पास है। और अगर आपको sections में कोई amendment करना है, तो ये power दी गई है state legislatures को, clear है, क्यों, क्योंकि लॉ मेकिंग बॉडी वही है, लॉ मेकिंग बॉडी, लॉ किसने बनाया है, लेजिस्लेचर ने बनाया है, तो इसको अमेंड करने की पावर किसके पास होगी, ये भी होगी लेजिस्लेचर के पास, मूविंग फॉरवर्ड। अब अगर हम लोग कोड का एक एट अ ग्लांस देखें, या अगर हम लोग कोड को समझने की बात देखें, किस तरह से समझेंगे हम लोग कोड को, तो देखिए यहाँ पे क्या है, मेन पॉइंट आपको समझने के लिए ये है कि यहाँ पे आपको इंटरलिंकिंग की रिक्वायरमेंट होगी, यू विल हैव टू इंटरलिंक द सेक्शंस,
सेक्शंस एंड ऑर्डर्स, यही क्या है, यही ट्रिक भी है, सेक्शंस और ऑर्डर्स को इंटरलिंक करके आपको पढ़ना है, ठीक है। एक तरीका ये हो गया, और दूसरा तरीका ये है, एक तो इंटरलिंक कर लो, दूसरा तरीका ये है कि पहले आप एक ब्रीफ आउटलुक ले लो, रीड कर लो, रीड ऑल प्रोविजंस, ठीक है। आप पहले हर एक प्रोविजन को रीड कर लो, अपने तरीके से उसको समझने की कोशिश करो, और उसके बाद आप क्या करो, जो बेयर एक्ट है उसको तैयार, उसको पढ़ो, सेक्शंस को और ऑर्डर्स को, एक ब्रीफ इंडेक्स को आप उसको प्रिपेयर कर लो। ये भी, इसको भी हम लोग प्रॉपरली करवाएंगे, मतलब जो ऑर्डर्स है उनको पूरा नाम क्या है, ऑर्डर वन में क्या है, ऑर्डर टू में क्या है, ऑर्डर थ्री में क्या है, ऑर्डर फोर में क्या है, वो मुझे भी याद था, मतलब अभी भी याद है, एक बार भी अगर मैं उसको पूरी तरीके से देख लूंगी तो मुझे याद है अभी भी, और सेक्शंस भी मुझे याद है। तो अगर हम लोग प्रोविजन की बात करें तो उसको एक बार भी अगर आपने पूरी तरीके से पढ़ लिया तो अब आप समझ जाओगे किस तरह से लेजिस्लेट किया गया है। भाई इधर मान के चलो इधर सेक्शंस हैं, इधर सेक्शंस हैं, इधर ऑर्डर्स हैं, इधर सेक्शंस हैं और इधर ऑर्डर्स हैं, और उनको इस तरह से हमें प्रिपेयर करना है कि पहले सेक्शंस दिए हुए हैं, उसके बाद शेड्यूल वन शुरू हुआ है, उसके बाद अपेंडिक्स है जिसमें बताया गया है कि क्या तरीका होगा अपील लाने का, क्या तरीका है प्लेंट लाने का, वो सारी चीजें उसमें मेंशन है। तो ये एक तो तरीका, ये दो तरीके हैं जिससे आपको समझना है। अच्छा, आप जब रीड कर लोगे तो ये जो इंटरलिंकिंग मैंने बताई है ना, ये इजी हो जाएगी, इंटरलिंक करना इजी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं कि क्या क्या है कोड में, है क्या। देखिए सबसे पहले प्रीलिमिनरी, प्रीलिमिनरी जो है ये डील कर रहा है फ्रॉम सेक्शंस, सेक्शंस वन टू एट, सेक्शंस 1 to 8 आपको देखने को मिलेंगे। इसमें प्रीलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें दी हुई है, ठीक है। इसमें आप देखोगे प्रीलिमिनरी में आपको पहले आपको एक्सटेंट दिया हुआ है, फिर आपको डेफिनेशंस दी हुई है जो आपको इजीली आपको समझ पाए कि सीपीसी में क्या क्या है। तो डेफिनेशंस की तो प्रॉपर क्लास है, डिग्री अलग से बता रही हूँ मैं, ऑर्डर अलग से बताने वाली हूँ आपको, तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी, वो अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। ये हो गया प्रीलिमिनरी। अब यहाँ से जो मैंने 11 पार्ट्स बताए आपको ना, ये जो 11 पार्ट्स बताए हैं, ये 11 पार्ट्स अब हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ 11 पार्ट्स आप देखिए, पार्ट वन की बात करें तो पार्ट वन में आप क्या देखने वाले हो, पार्ट वन में आपको देखने को मिलेंगे सूट्स, ठीक है। सूट के बारे में पढ़ोगे, इसके प्रोविजंस देखिए, अब यहीं से इंटरलिंकिंग शुरू हो गई है। हर एक पार्ट में इंटरलिंकिंग नहीं है, लेकिन जिन जिन पार्ट्स में इंटरलिंकिंग है वो मैं आपको बता दूंगी। यहाँ पे सेक्शंस की अगर हम लोग बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द सेक्शंस, तो सेक्शंस हो गए 9 to 35B, सेक्शंस 9 to 35B, और अगर हम लोग ऑर्डर्स की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द ऑर्डर्स, तो ऑर्डर्स यहाँ पे आते हैं 1 to 20 यहाँ पे आ जाते हैं। उसी तरह से अगर हम लोग पार्ट टू की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर हम लोग सीपीसी के बारे में बात करें, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है एग्जीक्यूशन से, एग्जीक्यूशन ऑफ व्हाट, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। ये भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक हो गया आपके सेक्शंस और एक हो गया आपका ऑर्डर, ठीक है। सेक्शंस हो गए आपके फ्रॉम सेक्शन, सेक्शन हो गए आपके 36 से लेकर के 74, और अगर हम लोग ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर 21 डील्स विद एग्जीक्यूशन। इतनी चीज क्लियर हो गई, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें पार्ट फोर की, पार्ट फोर एंड पार्ट फाइव, पार्ट फोर और पार्ट फाइव साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें, यहां पे आप देखने को मिलेगा आपको सेक्शंस, सेक्शंस आप देखिए यहां पे अपने बेयर एक्ट में आप चेक करिए, सेक्शंस है यहां पे 79, सेक्शन 79 to 93, सेक्शन 79 से लेकर के 93 तक की, और साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा ऑर्डर जो है, ऑर्डर जो है ऑर्डर 27, ऑर्डर 27 से लेकर के ऑर्डर 37 तक की। ये क्या है, ये डील कर रहे हैं सूट्स इन, सूट्स इन स्पेशल केसेस, सूट्स इन स्पेशल केसेस, क्लियर है। अब अगर हम लोग बात करें पार्ट पार्ट सिक्स की, पार्ट सिक्स में आपको कौन से सेक्शंस मिल रहे हैं, पार्ट सिक्स में आपको मिल रहे हैं सेक्शंस 94 एंड 95, ठीक है।
सेक्शंस 94 एंड 95 इनको कहा जाता है सप्लीमेंटल सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स। क्लियर है? पार्ट 7, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट 7 एंड पार्ट 8 एंड पार्ट 8। अगर हम लोग पार्ट 7 एंड पार्ट 8 की बात करें तो यहां पे हम लोगों को सेक्शंस जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट आपको याद रखने हैं, दोनों ही पार्ट सेक्शंस हो गए आपके, सेक्शंस आपके हो गए फ्रॉम 96 टू 115। और अगर हम लोग ऑर्डर की बात करें, अगर हम लोग ऑर्डर्स की बात करें तो ऑर्डर्स 41 टू 47। यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां पे आपको देखने को मिलेगा अपील, अपील्स, रेफरेंस, रिव्यू, रिविजन। ठीक है, ये पार्ट क्लियर हो गया, पार्ट 7 एंड पार्ट 8, ये सारी चीजें इसमें कवर हो रही है। अब अगर हम लोग बात करें पार्ट 9 की, पार्ट 9 की अगर हम लोग बात करें तो पार्ट 9 में आपको देखने को मिलेंगे सेक्शंस, सेक्शंस 116 से लेकर के 120। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें, सिमिलरली अगर हम लोग बात करें पार्ट 10 की, पार्ट 10 की अगर हम लोग बात करें तो यहां पे क्या है, यहां पे आपको सेक्शंस मिलेंगे, सेक्शंस, सेक्शंस 121 से लेकर के 131। ठीक है, यहाँ पे हाई कोर्ट से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं, हाई कोर्ट के पास जो पावर है, रूल बनाने की पावर है, ऑर्डर्स के अंदर जो अमेंडमेंट करने की पावर है, जो अभी मैंने डिस्कस किया आपको, वो दिया हुआ है इन्हीं सेक्शंस के बीच में। और अगर हम लोग बात करें लास्ट पार्ट की, दैट इज पार्ट 11, तो यहाँ पे आ जाते हैं मेन जो सेक्शंस हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अगेन ये पार्ट हो जाएगा, सेक्शंस 132 से लेकर के फाइनली सेक्शंस 158 तक की। और ये मिसेलेनियस, यहाँ पे मिसेलेनियस प्रोविजंस आपको मिलेंगे। ठीक है, तो पार्ट 11 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हो गया आपका एक डिवीजन जो हम लोगों ने देखा है कि आपको किस तरह से अपना जो ये कोड है ये पढ़ना है। प्रीलिमिनरी आपको रीडिंग करना है, डेफिनेशंस आपको प्रिपेयर करना है। पार्ट 1 जहां पे भी मैंने लिंक करने की कोशिश करी है वहां पे भी वो आप समझ लीजिए वो ऑर्डर्स, वो सेक्शंस हो जाते हैं इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया हमारा एक ब्रीफ डिविजन। अब यहाँ पे एक बात और समझने की है कि जितने भी क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, जितने भी एग्जामिनर्स क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, एक बार ये भी देखते हैं। देखिए, सबसे पहले एक क्वेश्चन जो बन सकता है वो है ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट सीपीसी, साथ ही साथ एक अमेंडमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट आर द अमेंडमेंट्स मेड इन द सिविल प्रोसीजर कोड, इन द सिविल प्रोसीजर कोड। ठीक है, और यहां पे एक और क्वेश्चन बन सकता है, राइट अबाउट द अमेंडमेंट्स ऑफ 1999 एंड 2002। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो फ्रेम हो सकते हैं इस पार्ट से। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जो हम लोग ने एक एट अ ग्लांस लिया है, ये आपके समझने के लिए है, ये आपको प्रिपेयर करने के लिए है। सीपीसी को समझना इतना ज्यादा इजी नहीं है और इतना ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। एक ब्रीफ आपको लेना है उस एक्ट का और आपको धीरे धीरे चीजें समझती आएंगी। कोई भी चीजों में आपको टेंशन लेने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल के लिए आई होप इतना पार्ट जो मैंने कवर कराया है वो आपको समझ में आया हो, आपकी चीजें जो आपको डाउट्स थे सीपीसी के बारे में वो कवर हुए हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम लोग डेफिनेशंस के साथ शुरुआत करेंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से वो सारी चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए आई शैल टेक अ लीव। See you soon. Take care and goodbye.